Hi friends welcome to English study point friends today i am going to discuss with you about raymond williams in the light of cultural studies so friends first of all take a look at books written by him and books written by him was first वॉज कल्चर एंड सोसाइटी द लॉन्ग रेवोल्यूशन देन फ्रेंड्स की वर्ड्स सेमी कॉलन अ वोकेबलरी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है एंड आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाएगा कि कीवर्ड्स एंड आगे जो है आपको जो है इसी बुक के सब टाइटल का मतलब नाम कंप्लीट करना है तो ये जो अ वोकेबलरी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी है ये सब टाइटल है एंड कीवर्ड्स जो है पूरी बुक का नाम है की सेमी कॉलन अ वोकेबलरी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी सो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बुक को किसने लिखा सो so आंसर होगा रेमेंड विलियम्स ने दैन नेक्स्ट बुक का नाम है कल्चर एंड द सिटी देन अब कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कल्चरल मटीरियलिज्म का एंड इस टर्म को कॉइन किया था रेमन्ड विलियम्स ने एंड बाद में जाके इस टर्म को पॉपुलराइज किया गया एलन सिंफील्ड द्वारा एंड साथ ही साथ जॉनसन डॉलीमर द्वारा दैन रेमन विलियम्स का कहना है जो कल्चर सुपीरियर क्लास से बिलोंग करने वाले लोगों द्वारा फॉलो किया जाए वो असल में कल्चर नहीं है एंड इनका मतलब कल्चर को कहने का ये मतलब था कि कल्चर को जो है ये किसी और लाइट से देखा करते थे एंड ये बताते थे कि कल्चर जो भी हम अपनी एवरीडे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो भी एवरीडे लाइफ में एक्टिविटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो दरअसल रेमेंड विलियम्स की टर्म्स में कल्चर है एंड इनका ये कहना था कि जो कल्चर सुपीरियर क्लास से बिलोंग करने वाले लोगों द्वारा या फिर एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करने वाले लोगों द्वारा फॉलो किया जाए वो कल्चर नहीं है कल्चर इज़ नॉट द कल्चर ऑफ़ एलाइट। इट इज़ एम्बेडेड इन एवरी डे एक्सपीरियंस एक्टिविटी जैसे कि जैसे कि वर्ड्स लाइक डेमोक्रेसी कल्चर क्लास आर्ट ऑल दीज वर्ड्स हैव वेरियस पॉलिटिकल एंड सोशल मीनिंग्स कि आपको पता होगा कि ये जो वर्ड्स हैं डेमोक्रेसी कल्चर क्लास आर्ट ये सारे वर्ड्स जो है किसी ना किसी इन वर्ड्स का जो है पॉलिटिकल और साथ ही साथ सोशल मीनिंग इन वर्ड्स के साथ जो है अटैच्ड है देन इन कीवर्ड्स, ही सेज़ दैट ऑल दीज हैव पॉलिटिकल एंड सोशल मीनिंग्स सो फ्रेंड्स ये कीवर्ड्स जो है ये एक बुक का नाम है जो कि रेमन्ड विलियम्स द्वारा लिखी गई है एंड ये कहते हैं कि जितने भी डेमोक्रेसी है या फिर क्लास है आर्ट है इनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल या फिर सोशल मीनिंग्स जो है इन वर्ड्स के साथ अटैचड है then कल्चरल materialism emphasizes studying द हिस्टोरिकल context कि कहा जाता है कल्चरल materialism के अकॉर्डिंग Raymond विलियम्स ये कहना जाते हैं कि जो जो भी कल्चरल materialism से रिलेटेड टेक्स्ट हो सो so उन text को जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ जो है पढ़ाई करनी चाहिए यानी पढ़ना चाहिए ऐसे टेक्स्ट को लुकिंग एट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट विच इज़ डिस्कारड कि कहा जाता है कि रेमन विलियम्स कहते हैं कि कोई भी वर्क यानी कोई भी टेक्स्ट जो हो जो कि कल्चरल मटेरियलिज्म से रिलेटेड हो सो so, वैसे टैक्स को जो है हिस्टो उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसे जो है नैरेटिव ऑफ हिस्ट्री में डिस्कार्ड कर दिया गया है यानी कहने का मतलब है जिसे हिस्ट्री के मतलब टाइम पर जब डिस्कशन हो रहा था उस टाइम जो है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को ही मतलब डिस्कार्ड कर दिया था लेकिन इनका कहना है कि जब भी कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हो कल्चरल मटेरियलिज्म से रिलेटेड तो उसे जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ पढ़ा जाना चाहिए रीड दोज़ हिस्ट्री विच इज़ डिस्कार्डेड ये कहा जाता है कि उस हिस्ट्री को पढ़ो जो कि मतलब बहुत सालों पहले जो है लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया जिसे एंड मतलब साइलेंस लोग और लोगों ने जो है उसे साइलेंस कर दिया है ऐसी हिस्ट्री को जो है फिर से पढ़ा जाना चाहिए हाउ प्रिविलेज पीपल यूज़ ग्रेट बुक्स ऑफ वेस्टर्न thoughts ये कहने का मतलब है कि रेमन विलियम्स बताना चाहते हैं कितने एडवांटेजियस या फिर बेनिफिट में वो लोग होंगे जो कि वेस्टर्न थॉट्स से रिलेटेड जो है ग्रेट बुक्स पढ़ा करते हैं एंड इस ऐसी बुक्स को रीड करके वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं अपने वैल्यूज़ को जस्टिफाई करना चाहते हैं साथ ही साथ उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहते हैं यानी उन बुक्स के अंदर छुपे कल्चरल एंड पॉलिटिकल मैसेजेस को इग्नोर करना चाहते हैं बट अपने वैल्यूज को जस्टिफाई करके जो है करना चाहते हैं अच्छी बुक्स जो कि वेस्टर्न थाट से रिलेटेड हो वैसी बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं देन इन्होंने बताया कि हमारी सोसाइटी में तीन तरह के जो है कल्चर एग्जिस्ट करते हैं सबसे पहला डोमिनेंट कल्चर देन रेसिडुअल कल्चर दैन इमरजेंट कलर अब बात करते हैं डोमिनट कल्चर क्या होता है एंड डोमिनट कल्चर वो कल्चर होता है जो कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों द्वारा मेजोरिटी में फॉलो किया जाए वॉट इज एम्बॉडेड इन द मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी दैट इज़ कॉल्ड एज डोमिनट कल्चर देन अब बात करते हैं रेसीडुलल कल्चर रेसीडुलल का मतलब ही होता है जो, जो चीज़ बच गई हो इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल कल्चर प्रैक्टिसज़ कि हर कल्चर की जो मतलब हर कल्चर जो है अलग अलग प्रैक्टिस को फॉलो करता है सो so, उन सभी प्रैक्टिस का जो है हमारे मॉडर्न सोसाइटी पर जो है इन्फ्लुएंस पड़ा कॉन्शियसली और साथ ही साथ अनकॉन्शियस तरीके से देन अब बात करते हैं इमरजेंट कल्चर की सो so, कहने का मतलब है जो कल्चर इवॉल्व हो रहा है यानी अभी इवॉल्व नहीं हुआ है धीरे धीरे इवोल्व हो रहा है हमने देखा कि हमारी सोसाइटी में नए नए तरीके के कल्चरल आइडियाज़ प्रैक्टिसेस को कॉन्स्टेंटली जो है मतलब क्रिएट कर रहे हैं इंडिविजुअल या फिर उस सोसाइटी में रहने वाला मतलब सोसाइटल ग्रुप जो है क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है यानी नए नए कल्चरल आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस को कौन क्रिएट कर रहा है इस सोसाइटी के अंदर रहने वाले इंडिविजुअल और साथ ही साथ ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी जो है नए नए कल्चरल आइडियाज़ और प्रैक्टिसज को क्रिएट कर रहे हैं दीज आइडियाज़ आर डोमिनेंट दमसेस कहने का मतलब है कि ये आइडियाज़ जो है जिन्हें इंडिविजुअल नए नए तरीके के आइडियाज़ को लेकर आ रहे हैं तो ये क्या है ये अपने आप में डोमिनेंट है बट दे ऑल्सो भी ऑल्टरनेटिव एंड ये जो है एक तरीके के ऑल्टरनेटिव या फिर ऑपोज़िट कल्चर भी डिफाइन कर सकते हैं हम जो है इन्हें ऑल्टरनेटिव या फिर ऑपोजिट कल्चर भी रेफर कर सकते हैं देन अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की वो है होमोलॉजी सो so, कहने का मतलब है अ कोरस्पॉेंस बिटवीन टू और मोर स्ट्रक्चर तो वो क्या है होमोलॉजी है यानी दो या फिर दो स्ट्रक्चर्स के बीच में हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ऐसा रेमंड विलियम्स का कहना है नोइंग सिंक्रोनिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि अगर हम सिंक्रॉनिक रिलेशनशिप यानी लैंग्वेज रिलेशनशिप को समझने लग जाएंगे, अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर को समझने लग जाएंगे वैल्यूज़ को समझने लग जाएंगे कल्चरल वैल्यूज़ को समझ मतलब समझने लग जाएंगे तो इससे क्या होगा हम जो है इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये चीज़ें जो है एक दूसरे में कैसे फिट करती हैं यानी एक दूसरे में कैसे को करके जो है फ़िट बैठती हैं नोइंग सिंक्रॉनिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर वैल्यूज कल्चरल वैल्यूज़ एंड सींग हाउ ऑल ऑफ दैम फ़िट टुगैदर इट मीन्स रेजोनेंस कि uh, मैंने जो है पिछले लेक्चर में स्टीफन ग्रीन ब्लैट के बारे में बताया था एंड उन्होंने भी एक बुक जो है वो पब्लिश की थी रेजोनेंस एंड वंडर सो स्टीफन ग्रीन ब्लैट जो है उस कॉन्सेप्ट uh, को uh, मतलब किस, किसी और तरीके से बताते हैं वो कहते हैं कि रेजोनेंस का मतलब उनके लिए ये है कि जो वर्क हमेशा जिसकी इम्पोर्टेंस जो है uh, मतलब एवर रहे एवर रहे फॉर रहे फॉर फॉर एवर जो है उस वर्क को जो है उतनी ही इम्पोर्टेंस मिले जितने की उस उस वर्क को पहले मिलती थी सो स्टीफन ग्रीन ब्लैड जो है इस तरीके से जो है समझाते हैं रेजोनेंस का मतलब बट रेमंड विलियम्स का जो है मतलब रेजोनेंस का अलग है वो कहते हैं कि जब दो या फिर दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाए एंड हम जो है उस उनमें रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पाएँ एंड ये चीज़ देख पाएँ कि सोशल स्ट्रक्चर वैल्यूज़ और कल्चरल वैल्यूज़ जो है एक दूसरे में कैसे फिट बैठती है सो so, इस चीज़ को जो है रेमंड विलियम्स बताते हैं ये चीज़ जो है रेजोनेंस है वन देर इज़ अ लिंक बिटवीन टू और थ्री थिंग्स ये कहने का मतलब है जब लिंक बन सके दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में दैट इज़ कॉल्ड एज रेजोनेंस दे आर स्ट्रक्चरल रेजोनेंस एंड इन्हें जो है रेमंड विलियम्स स्ट्रक्चरल रेजोनेंस बताते हैं जो कि पूरा सोशल और कल्चरल होल बनाते हैं देन फ्रेंड्स इस पर जो है पिछले प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था एंड वो क्वेश्चन ये था मार्क्स क्रिटिक हैज री कंसिडर्ड द क्लासिक प्रॉब्लम ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू लिटरेचर सो आंसर होगा रेमंड विलियम्स देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर यू जी सी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग